वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 1 सितंबर 2023 को थर्ड शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस और करेंट्स के प्रश्न पूछे गए हैं और कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। मुझे 25 में से 23 रियल क्वेश्चंस मिला है। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस प्रॉपर ढंग से दे चुका हूं और उसका PDF भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूं। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी प्रश्न को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया था नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये भगत सिंह ने किया था 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था कला श्रम के संस्थापक कौन है। तो ये हैं पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था धमाल नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो ये हरियाणा का है। अगला प्रश्न पूछा गया था माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है। तो ये कमला दास की हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई थी। तो ये 23 मार्च 1940 को उठाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था IPL 2023 फाइनल मैच कहाँ हुआ था। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें CSK चेन्नई सुपर किंग ने विजेता रहा। अगला प्रश्न पूछा गया था शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था यदि फोर्स 7 न्यूटन है, दूरी 5 मीटर है, तो कार्य बराबर पूछा गया। आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल दिया है 7 न्यूटन और विस्थापन है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 35 जूल। अगला प्रश्न पूछा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में विजेता कौन रहा है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। ये 2023 का करेंट्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कितने वर्ष के उम्र से संबंधित है। तो देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है, इसका लाभ 15 से लेकर 35 वर्ष तक के युवा उठा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का महान्यायवादी का क्या कार्य होता है। तो ये कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं महान्यायवादी। अगला प्रश्न पूछा गया था घेंघा रोग से किस ग्रंथि में सूजन आती है। तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1994 में ग्रेमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन है। तो ये हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कैलाश पर्वत कहाँ पर है। तो आप सभी जानते हैं तिब्बत के जो ट्रांस हिमालय के ये एक भाग है। एक ये मंदिर से था भिटारी मंदिर कहाँ पर है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम चला। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बजट घाटा किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, बजट घाटा में क्या होता है, जिसमें खर्च आय से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था झारखंड में पशुओं की संपदा का गुणगान करने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो सोहराई पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। तो देखिए, एग्जैक्ट ऑप्शंस में क्या था नहीं मालूम, बट मैं आपको बता देता हूँ प्रसिद्ध जो सितार वादक है उसमें से हैं पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, उमाशंकर मिश्र, ये सभी फेमस सितार वादक है। ये प्रश्न पूछा गया था लू किस राज्य में नहीं चलता है। अब ऑप्शंस में क्या था, कौन सा स्टेट दिया था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लू नहीं चलता है और बहुत सारे में चलता है, जैसे
भारत के उत्तरी भाग की बात करें, बिहार, यूपी, झारखंड, यहाँ सब लू काफी ज्यादा चलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मानसून में कहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है? तो देखिए, लेह में बहुत कम वर्षा होती है, यही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राजस्व घाटा क्या है? तो देखिए, जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो राजस्व घाटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शंस में क्या था, नहीं मालूम, आप जानते हैं 11 मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इसका भी ऑप्शंस में क्या दिया था, नहीं मालूम, लेकिन हम इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मुल्कराज आनंद की, जैसे अनटचेबल हो गया, कुल्ली हो गया, ये फेमस इनकी रचनाएं हैं। तो ये मुझे 23 रियल क्वेश्चन मिला है। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।